अक्सर हम जब भी अपने कार को लेकर निकलते हैं कहीं बाहर जाने के लिए, तो हमें जल्दी जल्दी में ये ध्यान नहीं रहता कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट को लेकर साथ में जाने चाहिए, जिसके कारण आपको आगे चलकर बहुत ही प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और जब आप किसी पुलिस से पकड़े जाते हैं तो वो आपसे मोटी रकम वसूल करते हैं और आप मजबूरी में उस टाइम कुछ कर नहीं पाते हैं और आपको उस टाइम पैसे देने पड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके साथ ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगा और कभी भी आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप अपने कार को लेकर बाहर निकलते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपने साथ रख के जाएं, ताकि आप जब भी किसी पुलिस से पकड़े जाएं तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स ना हो। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और आप देख रहे हैं टेकमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप अपने प्राइवेट कार को लेकर बाहर जाते हैं और किसी कारण ट्रैफिक पुलिस से आपका सामना हो जाता है तो वो इन डॉक्यूमेंट्स की जांच जरूर करते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, हम इसे आसान भाषा में RC भी बोलते हैं। दोस्तों, RC बुक में आपके स्टेट का नाम मेंशन जरूर होता है, जैसे कि इसमें मेंशन है आंध्र प्रदेश ट्रांसपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट। उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एड्रेस, व्हीकल का क्लास, किस टाइप का फ्यूल यूज होता है और बॉडी का टाइप क्या है। दूसरे नंबर पर आता है इंश्योरेंस पेपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी खुद की प्राइवेट कार है तो आप उसका इंश्योरेंस जरूर करें, क्योंकि कब क्या होगा ये आपको नहीं पता है। अगर आप इंश्योरेंस करवा लेते हैं और बाद में आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो कंपनी आपका सारा खर्चा देती है। तीसरे नंबर पर आता है पॉल्यूशन पेपर। दोस्तों, इंश्योरेंस करवाने के साथ साथ आपको पॉल्यूशन पेपर भी बनवाना पड़ता है। ज़्यादातर ये किसी प्राइवेट कार में ऑफिस खोलकर सड़क के किनारे मिल जाएंगे, आप वहां जाकर इसे बनवा सकते हैं। दोस्तों, इसका आपको एक टेस्ट करवाना पड़ता है जो पूरे एक साल के लिए वैलिड होता है, और इस सर्टिफिकेट में आपको सीरियल नंबर, व्हीकल का टाइप, मोटर व्हीकल नंबर, लाइसेंस नंबर, फ्री एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। चौथे नंबर पर आता है ड्राइविंग लाइसेंस। इस लाइसेंस का मतलब होता है आप पूरे भारत में ड्राइविंग कर सकते हैं। सर्टिफिकेट में आपको आपका लाइसेंस नंबर, आपका नाम, आपका पूरा एड्रेस, ड्राइविंग ऑथराइजेशन और एक वैलिडिटी देखने को मिल जाती है। आई होप दोस्तों, इस वीडियो से आपको ये पता चल गया होगा कि जब भी आप अपने कार को लेकर कहीं बाहर जाएं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट को साथ में रखें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स हो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूंगा। दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।